बार और क्लियर हो जाएगा कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स जो हार्डवेयर भी कहलाते हैं, ये सीपीयू के अंदर होता है और इसमें आता है मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ड्राइव, पावर सप्लाई बॉक्स जो अलग से पावर सप्लाई देता है। ये सभी हमारे क्या है, कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स। और नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क, सबसे ज्यादा इसके अंदर स्टोर रहता है।
इज द मेन सर्किट, मेन सर्किट बोर्ड है एंड ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स, यानी कि ये एक मेन बोर्ड होता है सीपीयू में और इसी में ही हमारे सारे कंपोनेंट्स अटैच किए जाते हैं एंड और इंटरनल जो सीपीयू के अंदर जो और लगे हुए रहते हैं उसे इंटरनल कहा जाएगा, इंटरनल कंपोनेंट, इंटरनल करना है। पेज नंबर 11 है, क्लास 4 का है ये,
कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो हम फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा वो फिलिंग द ब्लैंक्स और इसके फुल फॉर्म नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। उसके बाद हम इस पे डायग्राम पे वर्क करेंगे। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है तो आज आप बुक वर्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और इसमें जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता हो, आप मेरा फोन नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर पे, जब आप बुक वर्क कर लें तो मुझे एक फोटो खींच के मेरे फोन नंबर पे सेंड कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके नाउ।